हम आप देख रहे हैं लगातार कई वीडियो से कि बोचहा मुजफ्फरपुर की रेस में हम मौजूद हैं और यहाँ पर फाइनल का चक्र खत्म हो चुका है। प्रथम स्थान यहाँ पर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस को गया, दूसरा स्थान कुणाल जी के एक नए घोड़े को मिला। रात में इसकी वीडियो अपलोड हुई और उसमें कुछ बातें कही गई थी, वो सत्य साबित हुई। कुणाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तो हम इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर की प्रतियोगिता इनके लिए कैसी रही। देखिए, मुजफ्फरपुर की प्रतियोगिता बिहार में सबसे बेस्ट प्रतियोगिता है, बिहार में इस टक्कर की प्रतियोगिता नहीं है और इसके लिए कमेटी को धन्यवाद और खास करके इंडियन हॉर्सेस चैनल और लव जी को धन्यवाद कि आप मौजूद रहे और सभी जितने घोड़े पालक हैं सबको स्पेस दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चेतक प्रतियोगिता जब चल रही थी उस समय सेमीफाइनल के लास्ट राउंड में आपका घोड़ा प्रतिभागी बना, उस समय क्या लग रहा था जो तीन राउंडों से घोड़े जीत कर आगे गए, या फाइनल के चक्र में भी हम देखे कि इलाहाबाद का घोड़ा आपके घोड़े से आगे चल रहा था, क्या मन में चल रहा था आपके मन में? बहुत मतलब कहिए नहीं, मुझे लग रहा है मेरा बीपी लेवल बहुत हाई हो चुका था और बिल्कुल मैं आँख बंद कर चुका था, मेरा मोबाइल ऑन था लेकिन आँख बंद था, मैं बहुत डरा हुआ था और मैं भगवान भगवान कर रहा था और शुक्रिया भगवान का कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया घोड़ा लेकर आए हैं, कहाँ से इसे ला दिए? ये प्रतापगढ़ से मैंने घोड़ा लिया है और आज से 10 दिन पहले मैंने घोड़ा लिया है और हमारे सवार मेघू हैं, उन्होंने ही पसंद किया था घोड़ा और अभिराम जी मेरे भाई हैं, दोनों ने पसंद किया घोड़ा और उन्हीं दोनों ने लाया था घोड़ा और 10 दिन पहले घोड़ा आया है और घोड़ा पूरी तरह से सेट भी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से काम किया ये मेरे हौसला को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। सवार मेघू से जानते हैं कि कैसी चेतक प्रतियोगिता इनके लिए रही। सेमीफाइनल का लास्ट के राउंड में आप लड़े और तीन सेमीफाइनल राउंड आप देख चुके थे, उसके बाद आप प्रवेश किए चौथे सेमीफाइनल राउंड में, बाकी के जो घोड़े फाइनल के लिए सेलेक्ट हुए उनसे अपने आप को प्रतिभागी के तौर पे कैसा महसूस कर रहे थे? नहीं, मुझे डर था सिर्फ उसी से, मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस से और इजाज से नहीं डर था, इन लोग से उन्हीं लोग से डर था और किसी से डर नहीं था उतना। प्रतियोगिता आपके लिए अच्छी रही? बहुत अच्छी रही, बहुत। अगला प्रतिभागी बनने के लिए आप कहाँ जाने वाले? 28 तारीख वाले में नारायणपुर। चलिए, आपको वहाँ के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।